प्यारे भाइयों तथा बहनों, डोमिनिकन मीडिया मिशन द्वारा प्रसारित जीवन संदेश में आप सबों का स्वागत है। हम आज 40 काल का चौथा इतवार मना रहे हैं और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार से अध्याय 3 पद संख्या 14 से 21 तक है और वह इस प्रकार है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं इसके कर्म प्रकट ना हो जाएं, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे वह यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के इस इतवार को लातिन भाषा में लेतारे संडे कहा जाता है। इसका मतलब है आनंद या खुशी का इतवार। 40 काल के बीच में हम लोग ये खुशी का इतवार मनाते हैं, क्योंकि आज के जो पूजन पद्धति है, पूजन विधि है, वो इसी से शुरू हो जाती है, जहां नबी ईसाइस के ग्रंथ से अध्याय 66 पद संख्या 10 का ये वाक्य वहां पर कहा गया है कि आनंद मनाओ यरूशलेम, प्रभु में आनंद मनाओ। तो हम सबको प्रभु में आनंद मनाने के लिए बुलाया गया है। तो इस 40 काल में भी हम लोग इसलिए आनंद मनाते हैं कि हम आने वाले पास्का पर्व के इंतजार में है, और पास्का पर्व हमें खुशियां लाती है, पास्का पर्व हम सबके लिए शांति लाती है। और आज के सुसमाचार के पाठ में हम लोगों ने पढ़ सुना कि निकोदेमस यीशु के पास जाते हैं और यीशु से जो शिक्षा मिलती है उसे वो ग्रहण करना चाहते हैं, तो इसलिए यीशु उसे पूरा शिक्षित कर देते हैं। और निकोदेमस आज के इस पूरे संत योहान के तीसरे अध्याय में पूरा निकोदेमस के बारे में ही बोला गया है। निकोदेमस एक शिक्षित व्यक्ति था और वो अपनी शिक्षा को लेकर ईश्वर का ज्ञान और अधिक रूप से लेना चाहता था। उसे समाज में एक प्रतिष्ठा थी, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, और सब उसे पहचानते थे, जानते थे, क्योंकि वो शिक्षित था। तो इसलिए वो ईश्वर के, प्रभु यीशु के पास आने के लिए वो अंधकार में आना ज्यादा पसंद करता है। तो आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि लोग अंधकार को पसंद किए और ज्योति को पसंद नहीं किए, लेकिन यहां पर एक शिक्षित इंसान है जो अंधकार से ज्योति पसंद करता है। तो यीशु के पास वो आ जाता है और यीशु के पास आकर ईश्वर के बारे में और गहराई से ज्ञान लेना चाहता है, यीशु से अपने आध्यात्मिक जिंदगी के लिए सलाह लेना चाहता है कि मैं और अच्छी तरह से कैसे जी सकूं। तो निकोदेमस यीशु का एक अनजान शिष्य था, अनजाने में वो छुप कर आके यीशु से मिलता था, उनकी शिक्षा पसंद करता था, उनका अनुसरण करता था, तो इसलिए वो यीशु के पास फिर आता है। तो रात को आने का मतलब यही होगा कि सबसे पहले वो रात को इसलिए आता है ताकि वो दूसरों को दिख ना पाए,
और दूसरों को दिखने से उसकी जो समाज में प्रतिष्ठा है वो कुंठित ना हो जाए, कम ना हो जाए, तो इसलिए वो आ जाता है। लेकिन दूसरा जो अर्थ होगा कि यीशु ज्योति है, और अंधकार से यीशु की तरफ आने का मतलब है कि अंधकार से ज्योति की तरफ आना है। तो अपनी जिंदगी में अपने पापों के द्वारा मेरी जिंदगी में अंधकार है, मेरे अज्ञान के द्वारा मेरी जिंदगी में अंधकार है, तो उसे मिटाने के लिए मुझे यीशु के पास जाना है। यही निकोदेमस आज हम सबको समझाते हैं। आप उस एमोस घटना को याद करिए जो यीशु के क्रूस मरण के उपरांत शिष्य एक साथ थे, और उनमें से दो शिष्य निराशा में भरकर वो उस यरूशलेम से उनके जो गांव की तरफ एमोस की तरफ जाते हैं। मतलब यीशु जो संसार की ज्योति है, जब तक उनके पास थे तब उनके जिंदगी में ज्योति थी, अब उनके जिंदगी में निराशा है, वो इसलिए लौटकर अंधकार में जाना पसंद करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु उनके साथ चलकर उनके अज्ञान को मिटाते हुए उनके जिंदगी में पुनः ज्योति लाते हैं और पुनः उजाला लाते हैं। तो इसलिए वो ये लोग एमाउस पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, अंधकार हो जाता है, तो यीशु को अनजाने में वो बुलाते हैं, अभी अंधकार हो चुका है, आइए आप भी हमारे साथ रहिए आज के रात को। तो यीशु उनके पास जाते हैं, रोटी तोड़ने में उनको ज्ञान मिलता है और वो यीशु को पहचान लेते हैं और ज्योति फिर से उनके जिंदगी में आ जाती है। तो प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज निकोदेमस के द्वारा हमें यही सबक मिलता है कि इंसान को अंधकार से ज्योति की तरफ जाने के लिए, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने के लिए, असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए दोबारा पवित्र आत्मा में जन्म लेना जरूरी है। ये यीशु आज निकोदेमस को कहते हैं कि निकोदेमस को यही शिक्षा मिलती है कि इंसान को दोबारा जन्म लेना है। वो कैसे होगा? तो आज यीशु कहते हैं कि मानव पुत्र को जिस प्रकार पुराने व्यवस्थान में खांसे के सांप को ऊपर उठाया गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र को, प्रभु यीशु क्रिस्त को सूली पर चढ़ाना होगा, क्रूस पर चढ़ना होगा, और जो कोई उनकी ओर आंखें उठाकर देखे वो अंधकार में नहीं ज्योति में वो चलेंगे। गन्ना ग्रंथ अध्याय 21 में कहा गया है कि इसराइली जब सांप से कटे गए थे तब उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर ने मूसा को आदेश दिया खांसे का सांप बनाकर उसे ऊंची जगह पर रखा जाए, जो कोई उसे देखेगा वो बच जाएगा। तो आज हम लोगों के लिए प्रभु यीशु ही मुक्ति का एक स्रोत है। तो इसलिए जो कोई प्रभु यीशु के क्रूस की ओर देखकर जीने की कोशिश करता है वो बच जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसे कोई भी कष्ट नहीं आएगा। ये हम लोगों ने आज निकोदेमस से सीखना है। प्यारे भाइयों तथा बहनों, क्या आप प्रभु यीशु के मुक्तिप्रद प्यार और चंगाई के शक्ति को पहचानते हैं? क्रूस पर से यीशु हमारे मुक्ति के लिए बेहद प्यार करते हैं, अपने हाथ क्रूस पर पसारे हुए हम सबका प्यार करते हैं। यीशु के प्यार को कोई सीमा नहीं है। हम लोग ये नहीं पूछ सकते हैं कि यीशु हमें जो पाप में घेरे हुए इंसान है, मानव है, तो उसको कैसे दोबारा प्यार कर सकते हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। हम जो ईश्वर के प्रेम के काबिल नहीं है तो ईश्वर हमसे कैसे प्यार कर सकते हैं, इसकी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम करना ही ईश्वर का एक गुण है, सद्गुण है। तो ईश्वर प्रेम है इसलिए हमसे प्यार करते हैं, और इसलिए नहीं कि हम पापी है या हम अच्छे इंसान है। तो ईश्वर प्रेम है तो ईश्वर हमसे प्यार करते हैं। तो इस दुनिया में रहते समय हम अहंकार से बढ़कर नहीं, प्यार से बढ़कर जीने के लिए यीशु हमें बुलाते हैं। तो प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम आज के इस मिस बलिदान में प्रार्थना करें कि हम भी यीशु को पहचान सके, हमारे जीवन में जो अंधकार है उसे यीशु के ज्योति के प्रभाव से उसे मिटा सके, यीशु के प्रेम को हम पहचान कर उसे अपनाने के लिए और आपस में उसे बांटने के लिए यीशु हमें कृपा प्रदान करे। आमीन।